नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सिंह है। कंप्यूटर ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एमएस वर्ड में पेज ब्रेक कमांड के बारे में सीखेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कवर पेज के बारे में सीखा था, वैसे ही आज हम पेज ब्रेक के बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है पिछला वाला, तो प्लीज़ चेक कर लेना, देख लेना। और यदि आप दोस्तों आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ। मैं लगभग पिछले 15 साल से कंप्यूटर एंड आईटी फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर अपना मेरा जो भी एक्सपीरियंस है पिछले 15 साल का, वो सब मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं आगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि पेज ब्रेक होता क्या है। तो दोस्तों, पेज ब्रेक मीन्स होता है कि जैसे कि आपने काम किया है और इसमें आप चाहते हैं कि हमारा पेज जो है ब्रेक हो जाए। ब्रेक मीन्स टूट जाए। टूट मीन्स ऐसा नहीं कि एकदम से टूट जाए। टूट मीन्स होता है कि जैसे मान लीजिए आपके सामने दिख रहा है, ये यहाँ पे 2 पैराग्राफ्स हैं और आप चाहते हैं कि जो सेकंड वाला पैराग्राफ है जहाँ पर लिखा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, अगर आप ये चाहते हैं कि ये हमारा डायरेक्ट सेकंड पेज में ट्रांसफ़र हो जाए या चला जाए, तो आप इसके लिए पेज ब्रेक कमांड का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? आप यहाँ पे आपको जहाँ से पेज को ब्रेक करना है या पेज को नेक्स्ट पेज में ऐड करना है, उसके लिए आप उसके सामने जस्ट क्लिक करेंगे। जैसे मैं टी के सामने यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद आप पेज ब्रेक पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे और ये नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। तो मैं पेज ब्रेक, मैंने कर्सर मेरा टी के पहले है, अब मैं यहाँ पे पेज ब्रेक पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए अब ये नेक्स्ट पेज में ऐड हो गया। तो बस यही है पेज ब्रेक, और इसमें कुछ खास नहीं है। पेज ब्रेक मीन्स होता है कि यदि आपने पेज में एक पेज में आपने काम किया है, आप चाहते हैं कि हमारा पेज यहाँ से ब्रेक हो जाए, यहाँ से अगले पेज चल जाए, या आप चाहते हैं जैसे कि ये है, आप चाहते हैं कि ये जो लाइन है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखा है आउटपुट कंप्यूटर, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ पहले तो आपको समझने के लिए। मान लीजिए आपका ये जो लिखा हुआ है, अगर ये चाहते हैं कि आप ये नेक्स्ट पेज में ऐड हो जाए, मीन्स अगले पेज चला जाए, तो इसके लिए आप पेज ब्रेक कमांड का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे आप पेज ब्रेक पे क्लिक कर देंगे। पहले यहाँ पर कर्सर लाएंगे जहाँ से आपको ब्रेक करना है, यहाँ पे कर्सर क्लिक कर देंगे जस्ट उस लाइन के सामने, और फिर पेज ब्रेक पे आप क्लिक करेंगे। मैंने क्लिक कर दिया, अब आप देखिए ये नेक्स्ट पेज चला गया। तो ये तो हो गया पेज ब्रेक। और इसके बाद जो अगला है वो है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज तो आपको पता ही होगा। ब्लैंक पेज पहले मैं इसको सारा अंडू कर देता हूँ। लीजिए, मैंने अंडू कर दिया। तो अगला है हमारा ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या होता है? जैसे कि आपका ये पेज है, आप चाहते हैं कि इसके बाद एक नया पेज ऐड हो जाए, मींस नया मींस ब्लैंक पेज। तो आपको जहाँ से ब्लैंक पेज ऐड करना, मान लो आप यहाँ कर, जैसे देखिए हमारा यहाँ पर पेज है, ये देखिए हमारा यहाँ पर है, अब यहाँ पे ब्लैंक पेज पे, अब हम यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे, तो देखिए ये हमारा, हमें एक नया ब्लैंक पेज आ गया। ये देखिए, ये सारा एक ब्लैंक पेज हो गया। ऐसे ही एक और चेक करते हैं। मान लीजिए हमारा कर्सर यहाँ पर है, अब हम चाहते हैं कि हमारा एक ब्लैंक पेज आ जाए, तो ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे जहाँ पर कर्सर को रखते हुए, और ये देखिए ये आपका है ब्लैंक पेज। अगर मैं इसको जूम कम करता हूँ आपको दिख जाएगा, ये देखिए ये ब्लैंक पेज आ गया, और एक जो हमने पिछला चेक किया था ये है ब्लैंक पेज। और इस तरह आप काम कर सकते हैं, ब्लैंक पेज आप इंसर्ट कर सकते हैं। मीन्स इसका मेन यूज ये है कि यदि आप काम कर रहे हैं, आपको बीच में कोई ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है, मान लें आपने ऊपर नीचे काम किया है, आपको बीच में कोई एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है या लाना है, तो आप ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपका कर्सर रहेगा उसी के बाद से ब्लैंक पेज ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा कि इसमें पेज ब्रेक क्या होता है और ब्लैंक पेज क्या होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।